अल्लाह नेशनल एम डी केयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो रिपीटिंग एम सी क्यूज हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे और ये वीडियो जो पार्ट है पार्ट ए है ठीक है और इस वीडियो में हम जो है वो टेन इम्पॉर्टेंट और जो कि रिपीट होने वाले जो एम सी क्यूज हैं उनकी हम बात करेंगे तो फर्स्ट जो हमारे पास जो एम सी क्यूज की बात करें तो वह अमेनो एसिड डेट फॉर्म बॉडी प्रोटीन्स एल्फा ऑप्शन है स्टैंडर्ड अमानो एसड बीटा है नॉन स्टैंडर्ड एमानो एसिड चार्ली एसेंशियल एमानो एसिड है डेल्टा नॉन एसेंशियल अमैनो एसिड है तो इसका अगर हम राइट right ऑप्शन की बात करें तो वो पास पास हम तो पास तो पास हमारे पास जो है वो अल्फ़ा होगा जो कि हमारे पास होगा स्टैंडर्ड अमैनो एसिड बिकॉज के अमेनो एसिड जो कि बॉडी प्रोटीन फॉर्म करते हैं उनकी जो डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं और जो कि हमारे पास जो कि बॉडी प्रोटीन्स के अलावा जो कि हमारे पास जो है वो फंक्शन उन्हें हम नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं और जो कि एसेंशियल और जो कि नॉन एसेंशियल है वो बेसिकली जो कि हमारे पास डाइट पर डिपेंड करते हैं ठीक हो गया उसके बाद जो कि जो एम्स नंबर टू की बात करो तो वो 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 ये है कि स्टडी करेंट प्रोड्यूसेस अल्फा इलेक्ट्रिक फील्ड है बीटा मैग्नेटिक फील्ड है चार्ली बोथ है और डेल्टा नन है तो इसका जो राइट right ऑप्शन देखो तो वो हमारे पास जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिकॉज जो करंट होता है वो हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अगर वो स्टडी हो तो उसके बाद एम नंबर थ्री की बात करो तो वो ये है कि डबल मेम्बरेन ऑर्गेनली कंटेनिंग पोर्स तो जो कि हमारे पास जो कि डबल मेम्बर ऑर्गेनली भी है और उसमें जो पोर्स भी होते हैं एल्फा हमारे पास ऑप्शन जो है हमारे पास जो है वो एल्फा uh, क्लोरोप्लास्ट है बीटा माइटोकोड्रिया है

जम क्यूज़ हैं बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले हैं उसके बाद एमसीक्यू नंबर फाइव की बात करो तो वो ये है कि द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी तो अल्फा ऑप्शन है कि w ओमेगा इज इक्वल टू r v बीटा हमारे पास है कि v इज इक्वल टू तो r ओमेगा चार्ली है द ओमेगा इज इक्वल टू r 1/v अल्टा हमारे पास है v इज़ इक्वल टू आर वन बाई ओमेगा तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है अगर हम देखें तो वो हमारे पास होगा कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ रेडियस इन टू एंगुलर वेलोसिटी ठीक है उसके बाद जो कि इंपॉर्टेंट एम सी क्यू नंबर सिक्स की बात करो तो वो ये है कि एक्सरेज प्रोडक्शन इज अपोजिट ऑफ अल्फा है वेव थ्योरी ऑफ लाइट बीटा क्वांटम थ्योरी चार्ली है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डेल्टा हमारे पास है कॉमटोन्स इफेक्ट तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है अगर हम देखो तो वो हमारे पास होगा चार्ली फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट ठीक है ये बिल्कुल ही हमारे पास वो है वो अपोजिट है इसका ठीक हो गया उसके बाद एम नंबर सेवन की बात करो तो वो ये है कि वेव्स डेट डो नॉट कैरी एनर्जी एल्फा है ट्रांजिशनल वेव बेटा है प्रोग्रेसिव वेव चार्ली हमारे पास है स्टेटिक वेव्स और डेल्टा हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है अगर हम देखें तो वो हमारे पास होगा वो चार्ली होगा जो कि हमारे पास है स्टैटिक वेव्स ठीक है उसके बाद एम नंबर एट की बात करें तो वो ये है कि द गलवेनोमीटर इज़ यूज फॉर एल्फा

तो इसका जो राइट right ऑप्शन बनता है वो हमारे पास बनेगा बीटा अलोंग इट्स एक्सिस में जो है वो वो सोलिनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट और रिपीट होने वाला एमसीक्यू की बात करें तो वो ये है कि द ईएमएफ एम एफ प्रोड्यूस बाई जनरेटर डिपेंड्स ऑन अल्फा लेंथ है बीटा करंट है चार्ली एरिया है और डेल्टा हमारे पास ऑल है तो इसके जो फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं तो इसी वजह से जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास जो होगा वो डेल्टा होगा तो ये थे हमारे पास पार्ट ए वो एम सी क्यूज़ जो कि नेशनल एम डी कैर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएँ अपने ओपिनियन और शेयर भी करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके तो मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़